So guys, I'm leaving Hyderabad and today I'm going to Nagpur, and it's around 570 kilometers from here. और भोपाल जाने का प्लान था आज, लेकिन निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया. तो इट्स ऑलरेडी 12:30 इन द आफ्टरनून. सो आज तो भोपाल पहुंचना काफ़ी मुश्किल है. सो भोपाल इज़ लाइक 850 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो आई थॉट कि लेट्स स्टे इन नागपुर फॉर द नाइट एंड टुमारो मॉर्निंग आई विल बी लिविंग फॉर भोपाल. फ्रेंड्स, अब भोपाल पहुंचने वाले हैं और जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और सिंगल लेन रोड है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, पूछिए मैं. तो लास्ट 70 किलोमीटर से इसी तरह का रास्ता है और जो शुरू का 280 किलोमीटर का स्ट्रेच था वो काफ़ी अच्छा रोड था, बहुत ही स्मूथ रोड था और बहुत ही कम टाइम में कवर किया मैंने. लेकिन ये जो स्ट्रेच है इज़ जस्ट लाइक पेन इन द एस. एंड इसको करते करते मुझे ऑलरेडी 1.5 घंटा करीब हो चुका है और अभी भी लगभग 25 किलोमीटर है भोपाल. फुल करनी फुल बजाज की है डोमिनर. हाईवे पे 30-32 हाँ, और सिटी में देती है 20. ये क्या कैमरा? हाँ छेड़ो मत भाई. हाँ ये रिकॉर्डिंग चलती आगे की. क्या कर रहे हो भाई? 200 का किसने कहा है? मैंने कहा फुल करना है. हाँ मैंने आती ही फुल का भाई. हाँ फुल ही बोला मैंने. अभी तो मैं भोपाल में ही हूँ 2 दिन, उसके बाद मेरे को जाना है जबलपुर. हाँ अभी मैं पूरा वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया पूरा करके आया हूँ. अभी 8,000 किलोमीटर करा है दिल्ली से अभी तक. सर सांची स्तूपा किधर पड़ेगा? आगे कितना दूर होगा यहाँ से डिस्टेंस? अच्छा अच्छा एक टिकट दीजिएगा. सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स. तो मतलब यहाँ पे तीनों आपको स्तूपा मिल जाएंगे. थोड़ा सा आगे जाके राइट में रास्ता जा रहा है और बाकी जो बाइक की पार्किंग है वो है 10 रुपीज़ और 40 रुपये का टिकट है इंडियंस के लिए और 600 का फॉरनर्स के लिए. सो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक पार्किंग में लगाने
So friends, right now we are in Sanchi and I've come to visit Sanchi Stupa. So it is one of the UNESCO heritage sites in India, and these stupas are made by the Emperor Ashoka. These stupas are made in Gupta Empire during the 5th century, and the foundation was laid in the early 3rd century by the Emperor Ashoka itself. So this stupa has 4 gates in all 4 directions. So this is the second gate. बाकी जो भी गेट्स के ऊपर, द्वार के ऊपर जो भी कार्विंग्स हो रखी हैं उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दे रखी है, तो यू कैन सर्च इट ऑनलाइन एज वेल. द ग्रेट स्तूपा के हर द्वार के अंदर आपको जैसे ही आप एंटर करेंगे ऐसी बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, और ये आपको चारों द्वार के अंदर मिलेगी. This is the third gate. That is the fourth gate. So it is said to be the one of the oldest structures in India. It was commissioned in 3rd century by the Emperor Ashoka itself, and the carvings on the rock is very, very beautiful, and it shows the things which were done at that time and things that happened at that time. So if you want to know the history, you can check it on Google. And these carvings are done on the rocks and on the main gates. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर नवंबर के लास्ट संडे को एक महोत्सव होता है, को कहते हैं सांची महोत्सव. तो लगभग यहाँ पे 1 लाख के आसपास टूरिस्ट आते हैं. तो कभी भी आप नवंबर के आसपास सांची में हो तो ज़रूर विज़िट करें, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत सजाया जाता है इसको, तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस लगती है. बाकी आई रिकमेंड कि आप ज़्यादातर यहाँ पर सर्दियों में और बारिशों में आएँ, और समर्स में तो ये प्लेस काफ़ी हॉट हो जाती है, टेम्परेचर काफ़ी होता है, तो घूमना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बाकी अगर इन्जॉय करना है इस प्लेस को तो आप विंटर्स में या फिर रेन में आएँ, वही सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ विज़िट करने का. तो चलिए हम निकलते हैं यहाँ से भोपाल के लिए, और जल्द से जल्द पहुँचना है अपने को. टिल देन कीप वॉचिंग.